ओ बोला बच्चे रात्रि का समय आकर के बमरगा ने आवाज लगाई जमरगाने बादर भावे रे ओ बोला बच्चे आधी रात्रि के समय मुर्गा ने बांग लगाई और महात्मा ने कमंडल उठाओ विचार करो भगवान हाथों में लेट है भी सीधे गंगा की पार पर पहुंच करी इधर इंद्र देवता गौतम ऋषि का भेष बना करके अहिल्या की कुटिया में घुस गई। परीक्षित महाराज अब गौर करना तो इधर तो छल कर लिया इंद्र ने और बीते आधी रात के समय जाके जैसे ही गंगा जी में हाथ दो महात्मा ने सोई गंगा ने आवाज लगाई महात्मा आधी रात के समय मेरी नकिन धारा बह रही है और तुमने रात में आके जगाई तो मेरी एक बात सुन ले अरे गंगा बोली उठी रे ज्ञानी से गंगा ने जवाब दिया है महात्मा गौतम ऋषि जा गंगा के पानी से हाथ में लगाए दियो क्यों ओ बाबा मतिया तू लगा बे पानी ओ घरे छनो है कब तेरी रानी से आज महात्मा गौतम ऋषि से गंगा ने कहा गंगा बोली उठी ज्ञानी से बाबा हाथ न लगयो पानी से घरे चलो है गो तेरी जाओ। महात्मा ने विचार करो मैया मैं तो रोज मुर्गा बोन तो ताई टाइम पे आतो और आज तुम कह रही है कि आधी रात के समय मुझे जगाया है। महात्मा तुरंत लौट आए और जब लौट के आए तब तक इंद्र छल करके और द्वार पे निकल के आई पाओ देवराज इंद्र तुम्हें बहुत शौक है उसी समय श्राप दे दिया था तो 1000 भग के निशान हो गए थे इंद्र के शरीर में। दूसरा श्राप दूसरा चंद्रमा को कलंकित कर दिया था और तीसरी बेर जब पहुंचे पत्नी के जोरे तो एक कोने में खड़ी चुपचाप यानी कैसी पतिव्रता है तू हां तो अपने पति में दूसरे के पति में अंतर नहीं मालूम पड़ो हैं। पतिव्रता का यह धर्म होता है कि के हर केस भुजंग मणि पतिव्रता को गात जब तक पतिव्रता स्त्री या तो मच जाए तो बाके शरीर कोई दूसरा छू सकत हुए और नहीं तो जीते जी हाथ नहीं लगाने देती और तू कैसी पतिव्रता तेने अपने पति और इंद्र को पहचान नहीं पाओ लेकिन नीचे गुनगुना कर थारी है। महात्मा ने दो तीन चार बार पूछी कुछ जवाब दे लेकिन जवाब नहीं दो उसी समय श्राप दे दिया जा अगर तू पत्थर जैसी खड़ी है कोई जवाब नहीं दे रही है तो ये मेरा वचन है इसी समय पत्थर जैसी हो जा। लला राम बाई दिन आते डरी है बिचाई रामन की गुरुजी ज्यादा दोस्त हो तो ना कछु बिचाई को चौंक भेष बंद के आओ अगर सीधा सीधा आ तो पहचान ही लेती लेकिन गौतम महात्मा को भेष बनाए के आओ इंद्र। गुरुजी ने की लला तो करें का रामन की तुम मत करो हम करेंगे गुरुजी तो साइड में करे और भगवान श्री राम जैसे ही आगे बढ़े बहू का
के आगे बढ़ के रघुबर ने और निज रज सैल तुरंत ही डारी है। जक राम नाम निकरी मुख से जित स्वर्ग को नारे सिधारी है। राम नाम जैसे भगवान श्री राम ने आगे बढ़ के अपने पैर की रज और बस शिला के ऊपर डारी। अरे राम राम कही राम राम और जित स्वर्ग को नारी सिधारी है। अरे गुर के संग लक्ष्मण भैया और चलती ने पगधारी है। उस अहिल्या का उद्धार करने के बाद मेरे श्री राम आगे बढ़ के चले। कहाँ चले? चलते चलते जा तो रहे थे महाराज जनक के नगर की तरफ, लेकिन रास्ते में और उद्धार किया है अहिल्या का। अब राम गुरुजी के संग में राम और लक्ष्मण अब आगे बढ़े थोड़े थोड़े। सब लोग बोलना ताली बजाते हुए कैसे बढ़े। अरे चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। जिस समय गुरुजी के साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों चले, लगत क्वार की पूरन मासी गुर के संग गए अविनाशी। खुशी दिल में छाई वो पहुंचे फूल बाग में आई। चले आते नभराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। परीक्षित महाराज आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरुजी के साथ में कहां जनकपुर में पहुंच गई। परीक्षित महाराज जनकपुर की बड़ी बूढ़ी डुकरियन ने देखो भगवान कितने मलूक मलूक द्वे बालक आए एक महात्मा के संग में। अगर जब बड़े भाई बालक को ब्याह सीता के संग है जाए तो कितना अच्छा रहे। दूसरी इनकी पागल है गई है। जनक ने इतना ब्रो करो है इतना ब्रो करो है कि एक धनुष यज्ञ में रखवाए के और ऐसे ऐसे राजा बुलवाए जिन बालकन की पेशका जाई। लेकिन जितने भी पुरवासी हैं परीक्षित महाराज सबकी इच्छा है कि सीता का विवाह हो तो जा बड़े भाई बालक के साथ में। तो जा बात है तुम जानते हो गांव करे सो राम करे। अगर गांव बहन की इच्छा है गई कछु तो भगवान करनो परे हर हालत में। हे राजन परीक्षित कहां ध्यान है परीक्षित महाराज समझ में आ रही है कछु। वैसे ही बहुत ज्योति सुनने श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे राजन। इतने तो संध्या का समय हुआ तो संध्या के समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण से गुरुजी ने कही लला तुम एक काम करो तुम बगिया में चले जाओ